दरभंगा नगर निगम में नई मेयर मुन्नी देवी ने संभाली कुर्सी, शहर के लिए क्या है प्लान, सुनते हैं उनकी जुबानी। महापौर के रूप में आप अपना पदभार ग्रहण की हैं, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, पार्षद सब उनको चुन के लाए हैं, हम मेयर बने हैं और मेयर की कुर्सी पर बैठे हैं, मैं कुर्सी का मान सम्मान रखूंगी। और नगर आते हैं तो हम लोग बैठ करके एक कमेटी है उसको बनाना है, बना के जो नगर आयुक्त का आदेश होगा हमारा होगा, दोनों गोटे मिल के और पार्षद सब का जो आदेश होगा वो सबके वार्डे वार्डे जा कर के उनका समस्या देखेंगे और शहर का जल जमाव का समस्या है वो देखेंगे, कचरा का समस्या है वो देखेंगे और मिलजुल के हम लोग काम करेंगे। सर, नगर निगम से आपका पुराना रिश्ता है, आप 4 बार यहाँ की पार्षद रह चुकी हैं जी, तो अपने कार्य क्षमता को देखते हुए आपका जो ये कार्यकाल है उसमें शहर की विकास हो, क्या आपकी प्राथमिकता होगी? हाँ, किस प्रकार से आप काम करेंगे जनता के बीच में आपकी पहचान कायम रहे? जनता के बीच में हमारी पहचान है और अभी भी काम जो करेंगे उसका पहचान रहेगा जनता के बीच में और पूरा दरभंगा शहर वासियों के बीच में जा कर के जहाँ गंदगी है साफ सफाई का मैटर हो सारा करवाएंगे और साफ सुथरा में कोई कमी नहीं रहेगा। और दूसरे में जो भी वार्ड में जैसे बहुत काम ऐसा है जो उसका टेंडर हो चुका है काम नहीं हो रहा है वो देखेंगे, देखने के बाद जो है काम शुरू करवाने की कोशिश करेंगे। और दूसरे में जो जो काम रुका हुआ है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये देखा जाता है, मैं चुनौती आपके पास है कि अभी वर्तमान नगर आयुक्त का पद खाली है, तो महापौर होने के बाद क्या आप सरकार को लिखेंगे कि नगर आयुक्त की नियुक्ति नगर निगम में जल्द से जल्द हो? हाँ, लिखेंगे ना, वे उनका आए हुए तो काम होगा नहीं, इसलिए सरकार को लिखना है नगर आयुक्त को बहाली किया जाए, कमेटी का चुनाव हम लोग कर लेते हैं, इसके बाद जितना कम समय में जहाँ तक जो होगा साफ सफाई सब चीज़ करवाएंगे और जो भी काम रुका हुआ है उसको आगे बढ़ाएंगे।